मार्क्समैन बुक के ज्योग्राफी सीरीज में वी हैव 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, और टॉपिक है वर्ल्ड कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं एंड इट ऑल्सो शो योर ज्योग्राफिकल नॉलेज। लेट्स कम टू द पॉइंट। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज समहाउ रिलेटेड टू योर कंट्री इंडिया इटसेल्फ। इट्स सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एरिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए और जो है दैट इज़ द फ्रांस। कुछ फैक्ट्स हैं जिसे याद रखने की कोशिश करना है। तो ये हमारे पास एक फैक्ट था जिस फैक्ट में दिस एरिया वाज अगर टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो रसिया इज़ नंबर 1, ठीक है, एंड इंडिया इज़ एट द नंबर 7th। 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का टोटल एरिया है। इसे याद रखने के लिए हमने RCUCB करके कुछ निमोनिक्स बनाया, ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो कैन रसिया सबसे बड़ा, फॉलोड बाय कनाडा, देन USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। सेकंड क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। आपने लूसेंट बुक में पढ़ा होगा कि इंडियन जो सब कंटिनेंट है अगर उसमें हम देखा जाए तो भूटान जो है कंपेरेटिवली सबसे छोटा है, बट दैट वाज नॉट इंक्लूडिंग द मालदीव। व्हेन यू इंक्लूड द मालदीव ऑफ साउथ एशिया देन इट इज़ द मालदीव, और उसका जो स्क्वायर 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का कोरल ओरिजिन का एक आइलैंड है। द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट कंट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि वी हैव RCUCB एक निमोनिक्स है जिसमें रसिया फॉलोड बाय कनाडा, ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय USA, देन फॉलोड बाय चाइना एंड देन ब्राज़ील एंड देन वी केम AI, अर्जेंटीना एंड इंडिया। तो यहाँ पे USA जो है इन सब में सबसे पहले आ रहा है, रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, तो इन सब में सबसे बड़ा USA है। द फॉलोइंग असेंडिंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द एरिया, टर्म्स ऑफ एरिया में हम फिर से वहीं पे आ गए हैं, ठीक है, और इसमें हमें ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि विच ऑफ द एरिया वाइज, तो आपका याद होना चाहिए और नहीं तो फिर से एक बार देख लें आप, ठीक है। इंडिया से नीचे हो जाता है अर्जेंटीना, इससे ऊपर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और RCUCB आपको याद होगा, RCUCB, ठीक है, अर्जेंटीना AIA, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, इसमें आपका है अर्जेंटीना जो है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो ऑब्वियसली अर्जेंटीना से बड़ा इंडिया है, इंडिया से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राज़ील है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वही है जो नंबर 2 की कंट्री है, दैट इज़ द कनाडा। कनाडा की जब कोस्टल लाइन को आप देखेंगे, दिस इज़ योर वर्ल्ड मैप, ठीक है, ये एरिया है, दिस एरिया इज नॉर्दर्न अमेरिका, दिस एरिया इज योर नॉर्दर्न अमेरिका, और नॉर्दर्न अमेरिका में दिस इज योर कनाडा। यू कैन सी कि किस तरीके से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर का जो नॉर्दर्न है वो उसके पार्ट है, साथ में ये ऊपर का आर्कटिक ओशन या जिसे आप मैंगुएला सी जो भी बोल रहे हो आप देख सकते हो, ये इससे रिलेटेड है। पिक्चर को थोड़ा और इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं हम, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। सो व्हेन यू गो टू द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये सो ब्यूफोर्ट सी था, दिस वन द ब्यूफोर्ट सी, हडसन बे, गल्फ ऑफ अलास्का और कनाडा है जो नंबर 2nd पे है, ऊपर आर्कटिक ओशन भी है, सो दिस इज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, लॉन्गेस्ट, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। सो कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो यहाँ भी दैट विल बी द कनाडा। विच ऑफ दीज कंट्रीज फॉर्म द लॉन्गेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डर विद द इंडिया, तो इंडिया के साथ जो सबसे बड़ी बॉर्डर जो बनाती है जो कंट्री, दैट इज बांग्लादेश। इंडिया के साथ जो सबसे बड़ी बॉर्डर बनाने वाली जो कंट्री है दैट इज योर बांग्लादेश। और इन मैप में अगर आप देखेंगे सो ये नॉर्थ ईस्ट का जो सारा जगह है आपका, दैट इज़ समहाउ कनेक्टेड टू योर बांग्लादेश रीजन, ठीक है, ये पिक्चर उतना क्लियर नहीं दिखा पा रहा है, बट दिस एरिया इज़ द लार्जेस्ट बाउंड्री विच वेयर यू शेयर विद द बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ आप शेयर करते हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द कास्पियन सी. जब हम कास्पियन सी को हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि देर इज अ जस्ट वी केम विथ अ फॉर्मूला दैट इज के आर ए आई टी. ठीक है, सो इसमें आप देखेंगे कि करेट का जो है तो इसमें कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड दिस इज ईरान. आई इज फॉर ईरान. मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो मैप के थ्रू आपको मिडिल ईस्ट में हम चलते हैं कास्पियन सी के पास और कास्पियन सी में हम देखेंगे कि क्या है, व्हाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड. तो कास्पियन सी के बारे में, दिस इज योर कास्पियन सी. कास्पियन सी के बारे में यहाँ देखें, यहाँ पे तो सबसे ऊपर ये जो एरिया है ग्रीन कलर का दैट इज रसिया, ये रसिया का पोर्शन है. देन उसके बाद का जो पोर्शन है ये कजाकिस्तान का पोर्शन है. ये रसिया, ये कजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान एंड देन अजरबैजान. ना तो जॉर्जिया है ना तो अर्मानिया है. ठीक है, तो ये है क्रेत से आप बना सकते हैं कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान. आर्मेनिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस. और ये यही आर्मेनिया के बारे में पूछा था, तो आर्मेनिया इज समवेयर डिस्टेंट फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है, इस एरिया में ये आपका एरिया था दिस वन. बाकी इसमें आप देखो कि मिडिल ईस्ट एरिया में इजराइल का जो एरिया है दैट इज़ वेरी फेमस एरिया बिकॉज ऑलवेज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, इजराइल पलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट. तो इजराइल इज समवेयर हेयर, इजराइल यहाँ पे है. ठीक है, और इजराइल बॉर्डर बनाता है पल जोर्दन लिबनान के साथ. ठीक है, और यह सिनाई पेनिनसुला का एरिया है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द जियो स्ट्रेटेजिक पर्पज. Which of the following country does not form border with the Caspian Sea? तो Caspian Sea के साथ हमने देखा था कि इराक नहीं बनाता है क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपने बनाया कि KRAIT क्रेट इज अ टाइप और इज अ वेरियंट ऑफ स्नेक इन इंडिया. क्रेट है ये. इजराइल हैज़ कॉमन बाउंड्री, फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया था. तो इजराइल का जो कॉमन बाउंड्री की बात कर रहे हैं, इजराइल हैज़ ए कॉमन बाउंड्री, तो इट हैज़ ए कॉमन बाउंड्री विथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट. मैप फिर से एक बार आप देख लो तो दिस इज़ द एरिया वेयर इजराइल इज़ लोकेटेड. इजराइल इज़ लोकेटेड समवेयर हेयर. और इजराइल के पास आपने देखा कि दिस इज़, ये इजराइल के पास ये जॉर्डन से बाउंड्री बना रहा है, लेबनान से बना रहा है, सीरिया से बना रहा है, सीरिया से ऊपर से बना रहा है. ठीक है, ये इजराइल, सीरिया, लेबनान, ये. बट इट इज़ नॉट बॉन्ड मेकिंग बाउंड्री विद द अदर, ये इसके अलावा और किसी से वो बाउंड्री नहीं बना रहा है. इजिप्ट, इजिप्ट के साथ भी, ये सिनाई पेनिनसुला के साथ. ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया हैं और 1967 के वार के बाद यहाँ की बहुत से जगहों पे इजराइल ने कब्जा कर लिया था. सो इसलिए ये हमेशा ये स्कर्मिस और कुछ ऐसे ऐसे न्यूज़ आते रहेंगे जो आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे इससे रिलेटेड. चाइना डज नॉट शेयर इट बॉर्डर, तो चाइना जो है विश्व के 11 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बट इन सब में वो बुल्गारिया के साथ ही डज नॉट शेयर एनी, और सी डज नॉट शेयर एनी बाउंड्री विद द बुल्गारिया. ठीक है, अब थोड़ा एशिया में, दक्षिण एशिया में अगर आके आप इस मैप के थ्रू इफ यू विश टू सी कि चाइना किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो यू कैन सी दैट कि दिस इज़ द एरिया ऑफ चाइना एंड चाइना इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 11 और 12 कंट्री के साथ ये शेयर कर रहा है. ठीक है, ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया 1, 2, 3 यहाँ पे हो गए, इधर नॉर्थ कोरिया 4 हो गया, इधर लाओस, इधर बर्मा 4, 5, 6, बांग्लादेश इज 7, भूटान इज 8, नेपाल इज 9, देन अफगानिस्तान इज 10 एंड इंडिया इज 11. तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जो आपके चाइना के इंसर्कल करते हैं. ये क्वेश्चन जो था हमारा बुल्गारिया, तो बुल्गारिया इज़ नो वेयर कनेक्टेड इन एनी वे टू दैट चाइना 11 कंट्रीज़. हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो एरिया है इट इज़ रिलेटेड टू द एरिया ऑफ सोमालिया, इथोपिया एंड जिबूती.
ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो एरिया है दैट इज़ रिलेटेड टू द सोमालिया, इथोपिया एंड जिबूती। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो दिस इज़, इफ़ यू सी दैट, कि यहाँ पे लोकेशन जो है वर्ल्ड मैप में, दिस एरिया, दिस इज़ योर एरिया ऑफ हॉर्न की तरह ये एरिया है, ऐसे जिस तरीके से आपका हॉर्न होता है उस तरीके का। और यहाँ पे देखो, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ जिबूती, इरिटीरिया एंड सोमालिया, एंड दिस एरिया इज ऑल्सो द सूडान। सो ये हॉर्न में ये तीन कंट्रियों को हमने इंक्लूड किया, इरिटीरिया, जिबूती एंड सोमालिया, बट सूडान इज ऑल्सो ये इथोपिया। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, इथोपिया, इरिटीरिया एंड सोमालिया, सूडान इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूडान को हम नहीं कंसिडर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्कन कंट्री? सी, बाल्कन, बाल्कन का मतलब ही होता है बहुत सारे फ्रेगमेंट्स। भारत का जब विभाजन हो रहा था तो वहाँ पे भी एक बाल्कनाइजेशन प्लान था, तो ईस्ट यूरोप में आप देखेंगे कि देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, और ये जो कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल सिमिलैरिटी। और ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये जो यूरोप का एरिया है पूरा, इस यूरोप के एरिया में दिस एरिया को हम बोलते हैं कि दिस इज बाल्कन एरिया, ठीक है। लेकिन बाल्कन एरिया में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि अल्बानिया का एरिया, बुल्गेरिया का एरिया, बोस्निया हर्जोवेनिया का एरिया, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम के एरिया का आपको नाम यहाँ पे कुछ याद आएगा। सर्बिया का एरिया, बोस्निया एंड हर्जोवेनिया, ठीक है, रोमानिया एंड बस, बट ये स्लोवेकिया, हंगरी इज नॉट इट्स पार्ट, नहीं इसका हंगरी नहीं है, क्रोएशिया नहीं है, एंड इवन स्लोवाकिया इज ऑल्सो नॉट द पार्ट, बट मोर ओवर ये जो एरिया है यहाँ से ये अलग हो जा रहे हैं। सो ये आपके जो एरिया है, दिस इज़ द बाल्कन रीजन। क्वेश्चन यही था कि विच इज़ नॉट द पार्ट, द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, इज नॉट द पार्ट। और ऑस्ट्रिया से आपके इतिहास में पढ़ें कि देर वॉज अ मैटरनिक हु वॉज डिसाइडिंग द यूरोपियन हिस्ट्री। Which of the following countries is not located in the Central America? तो Central America में आप देखें कि there is 4-5 countries जिसको जानना चाहिए हमें। एक बार अगर आप अच्छे से मैप देख लेंगे तो you will understand कि Central America का जो कहानी है क्या है। So ये आप Central America जो है, यहाँ से पनामा नाम की नहर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, और पनामा एक कंट्री भी है। देर कोस्टा रिका, देन होंडूरस, निकारगुआ, ग्वाटेमाला, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि विच आर द फॉलोइंग नॉट लोकेटेड इन द, आई थिंक सियरा लियोना, सियरा लियोना जो है ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, और वो भी वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर विद द लिथुनिया? तो लिथुनिया के साथ जो देखेंगे बेलारूस का जो मैप है उसके लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा लिथुनिया, ठीक है। और यहाँ पे यूक्रेन इज नॉट इट्स पार्ट, यूक्रेन इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर विद द, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, आपको लिथुनिया का मैप हमें देखना चाहिए, यूक्रेन लिथुनिया, हाँ ये जो एरिया है आपका, दिस यूरोप में ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको देखेंगे कि लिथुनिया, बेलारूस आर सम ऑफ द कंट्री विच हैज़ अ क्लोज्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। बेलारूस के लेफ्ट साइड में, मतलब कि ईस्ट वेस्टर्न साइड में, देर इज़ लिथुनिया, और लिथुनिया और पोलैंड का है, ये सब सेकेंड विश्व युद्ध के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहे जहाँ पे बैटल ग्राउंड्स रहा, ठीक है। और यूक्रेन इसके बेलारूस के साथ में है, बट इट इज़ नॉट विद द शेयरिंग बॉर्डर विद द लिथुनिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जियोग्राफिकल ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जियोग्राफिकल ग्रुप ऑफ कंट्रीज डेजिग्नेटेड नेम एट द ओशियनिया? तो ओशियनिया जो है बेसिकली तीन पार्ट से बने हुए हैं, माइक्रोनीसिया, पोलिनीसिया एंड मेलेनीसिया। उसमें एक जो है ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इट्स पार्ट, बट इंडोनेशिया इज नॉट इट पार्ट,
साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया मिलेगा आपको, ठीक है। एंड ये अगर आप मैप के थ्रू इफ़ यू विश टू सी, सो यू विल फील वेरी इंटरेस्टिंग कि ये आपका दैट दिस पोर्शन इज़ वेरी, यहाँ पे तीन आपको जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया, तीन नाम दे दिए गए। उसमें देखो ये माइक्रोनेशिया लिखा हुआ है, देर इज पॉलीनेशिया एंड दिस इज मेलिनेशिया, और इसी मेलिनेशिया माइक्रोनेशिया का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिस इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको क्रॉस करती है, ठीक है। और यहाँ पे पापा न्यू गिनीवा है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, ये सब इम्पोर्टेंट्स है। टोंगा नाम का द्वीप है जिसने कुछ दिन पहले अपना टाइम जो था चेंज किया था इधर से इधर और इधर से इधर। देन यहीं पे आपको न्यूजीलैंड मिलेगा, न्यूजीलैंड कैंटरबरी प्लेन, देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो ये यही क्वेश्चन पूछ रहे थे इसके बारे में। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। सो नॉर्दर्न यूरोप के जो कंट्रीज है, नॉर्दर्न यूरोप के कंट्रीज में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आते हैं, और उसमें डेनमार्क को छोड़ के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसको देख लिया जाए क्या है मैप, क्या बोल रहा है यूरोप के मैप को जब आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज दैट नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये जो है, दिस पोर्शन इज योर 1, 2, 3 कंट्री, SDF, दैट इज FNS जो है, दिस इज द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और जब इसमें डेनमार्क को आप जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इट बिकम्स योर नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। ये एरिया है आपका, डेनमार्क अगर इसमें जुड़ जाता है तो, और हाँ नॉर्डिक कंट्रीज में फाइंड्स हो जाते हैं, FINDS, ठीक है। आई इज फॉर आइसलैंड। अफगानिस्तान डज नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री, अफगानिस्तान का बाउंड्री नहीं है किसके साथ, तो आप देखेंगे, चलो हम मैप के थ्रू देख लेते हैं कि अफगानिस्तान किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो यू विल रियलाइज कि दैट अफगानिस्तान इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर विथ उज्बेकिस्तान, दिस इज योर अफगानिस्तान एरिया। और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज हैं उसमें तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, बट इट इज़ नॉट शेयर कजा, एंड देन उज्बेकिस्तान है, ठीक है। किर्गिज के साथ ये नहीं कर रहा है, बस किर्गिज के साथ ही नहीं कर रहा है इसमें, बट इसमें आपके पास उज्बेक के साथ ये कर रहे थे, रसिया के साथ कर रहे हैं, तजिक और तुर्कमेनिस्तान में, तो आप ये देखें कि तजिक के साथ भी कर रहे हैं, तुर्क के साथ भी कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट शेयरिंग बाउंड्री विद द रसिया। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, रसिया के साथ ये बाउंड्री नहीं शेयर करते हैं, और यही करेक्ट आंसर है इनका। अदर देन इंडिया एंड चाइना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज बॉर्डर विद द म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम था दैट वॉज बर्मा, और बर्मा जो है बाउंड्री शेयर करती है थाईलैंड, लाओस एंड बांग्लादेश के साथ, ठीक है। थोड़ा सा इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो दिस इज़ द बर्मा, और बर्मा इज़ हेयर दिस पोर्शन, और बर्मा इज़ शेयरिंग बाउंड्री विद द बांग्लादेश, ठीक है, लाओस एंड थाईलैंड, एंड बर्मा इज ऑल्सो शेयरिंग बाउंड्री विद हियर इंडियन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग आउट ऑफ देयर एरिया, ठीक है। इसका हमने बताया था कि ये बार बार ये क्वेश्चन घूमते फिरते आपके पास आ जाएंगे, एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट देयर वॉज अ रसिया, रसिया वॉज फॉलोड बाई चाइना, दैट रसिया वॉज फॉलोड बाई कैनेडा, कैनेडा के बाद देयर वॉज UCB, तो रसिया इज स्टार्टिंग फ्रॉम, इफ यू इसमें आप देख लो जो भी हो, कनाडा होना चाहिए सबसे पहले, एंड देन USA होना चाहिए, बट हाँ USA, देन चाइना एंड देन ब्राज़ील,
बट यहाँ पे ये ऑप्शन की थोड़ी गड़बड़ कर दी इन्होंने, ये ऑप्शन 3 होगा और ये 1 होगा। इफ़ यू विश यू कैन चेक इट ऑन गूगल, दिस इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो इज द मैप ऑफ सम ऑफ कंट्री विच आर पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं एंड देन इट इज ऑल्सो शोइंग कि ये सोवियत विथ वाटर बॉडी सेन शेडेड कलर। तो ये जब आप मैप को देखने की कोशिश करेंगे इस तरीके का मैप, सो इट विल कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। कैसे, अब सबसे अच्छा है इसको सुपर इम्पोज करके हम देख लेते हैं कि क्या ये मैप अपने को बताना चाह रहा था। सो दिस वॉज द एरिया जिसकी बात वो कर रहे थे, और इसमें कजा, तुर्क, उज्बेक, किर्गिज और तुर्कमेनिस्तान, इस एरिया की ही बात वो कर रहे थे। When you see on this map, एशिया के मिडिल ईस्ट मैप को देखोगे तो ये एरिया को ही वो इस क्वेश्चन में पूछे जा रहे थे। और इसमें आप देखोगे कि ये सब जो कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो कंट्रीज है ये रसिया के साथ साथ पहले कंट्रीज थे जो इसके USSR जब थे तब इनके साथ थे, USSR जब थे तो इनके साथ थे ये। ये आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 में, सो इस तरीके से कास्पियन सी को ये दिखा रहा है ये ब्लैक कलर से, दिस इज योर कास्पियन सी, ठीक है। देन तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, ठीक है। और ये जो है कजाकिस्तान का एरिया, सबसे बड़ा वाला जो एरिया है दैट इज कजाकिस्तान, उसके नीचे उज्बेकिस्तान एंड उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान। कजा, उज्बेक, तुर्क, ठीक है, एंड देन तजिक, किर्गिज एंड तजिक, किर्गिज एंड तजिक। सो दिस वे हमने इसमें कुछ ज़्यादा ही समय दे दिया क्वेश्चन, बट यस दीज एरियाज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, जानना चाहिए हमें क्योंकि क्वेश्चंस घुमाते फिराते आते हैं इससे। देन देयर इज द रफ आउटलाइन मैप सोश पोर्शन ऑफ द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का वो पोर्शन है ABCD कंट्रीज को, या मिडिल ईस्ट देखते हैं आप समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट में देखते हैं ये दिस एरिया ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। जो बीच वाली जो कंट्री है दिस इज सी, सी इज योर द पोर्शन ऑफ सऊदी अरबिया, और डी जो है इसके ऊपर का जो कंट्री है दैट इज इज़राइल, क्या है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, और ये जो आपका पोर्शन है दिस इज इराक, ये है आपका सीरिया, ये जॉर्डन, और दिस इज योर सऊदी अरबिया, आंसर सी। 24th नंबर क्वेश्चन सर, कंसीडर द मैप गिवन बिलो। ये अफ्रीका के मैप में जो कुछ वर्ड्स हैं इस पोर्शंस को अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे आप देखें तो अफ्रीका में आपको दिखेगा दैट जस्ट पोर्शन, ये लीबिया का वो मैप है जिसको वो सुपर इम्पोज करके कोशिश कर रहे हैं दिखाने का या पूछने का, जो फर्स्ट पोर्शन है दिस इज योर लीबिया। नंबर 2 की अगर बात करें तो हॉर्न पे तो दिस इज सोमालिया, ये पोर्शन, जस्ट रिमेंबर दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस इज लीबिया पोर्शन के बारे में पूछा, देन सोमालिया के बारे में पूछा, और ये अभी हमने यहीं पे पढ़ा था कि इटूरिया, जिबूती और इथोपी जो है ये हॉर्न बनाते हैं, बट इसमें ये सूडान वाला एरिया था वो एक्सक्लूडेड था, नहीं था। कमिंग टू द पॉइंट, लीबिया है, सोमालिया है, देन वी हैव नंबर 3 इज योर टोगो, नाइजीरिया, नाइजीरिया ही है, एंड देन नंबर 4 इज नामीबिया, ठीक है। सो ये आपका आंसर जो इसमें हो जाएगा, ये आप यू जस्ट ऐसे याद नहीं होगा बट आपको याद रखना है, दिस इज योर लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया एंड नामीबिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है पॉसिबली, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, नहीं ये क्वेश्चन इसके बाद और रहेगा, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना एंड मैसिडोनिया,
एड्रियाटिक सी के बाउंड्री के रूप में, तो इसमें मैसिडोनिया छोड़ के सारे कंट्रीज जो हैं वो एड्रियाटिक सी को सराउंड करते हैं। बट हमें लेट्स सी वेयर इज़ द एड्रियाटिक सी। तो यूरोप के जब आप मैप को देखोगे तो यू विल फाइंड कि देर इज एड्रियाटिक सी, दिस इज़, ये जो एरिया है आपने देखा था कि दिस इज़ द पोर्शन ऑफ योर, ये पोर्शन जो है दिस इज़ योर पोर्शन ऑफ बालकन एरिया, और बालकन एरिया के पास ही ये जो एरिया, दिस एरिया जो है, अभी मैं मैप को दिखाता हूँ छोटे करके, तो ये एड्रियाटिक सी है। और इस एड्रियाटिक सी में आप देखें कि देर आर सो मैनी कंट्रीज सराउंडिंग इट। द फैक्ट इज़ दैट कि ओनली 2% जो है ये एड्रियाटिक सी का एरिया है वो सी के साथ कनेक्टेड है, दिस वन, बाकी वो लैंड के साथ कनेक्टेड है। और इसमें आप देखें कि क्रोएशिया एक कंट्री है, देन देर इज़ ऑल्सो सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ठीक है, अल्बानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सब इसके, और इटली, ठीक है। बट देर इज़ नो मैसिडोनिया, बिकॉज मैसिडोनिया कहाँ है, मैसिडोनिया को जब आप छोटा करेंगे तो आपको मैसिडोनिया दिखना चाहिए, इसमें मैसिडोनिया इस मैप में नहीं दिख रहा है। हाँ, मैसिडोनिया यहाँ पे दिस हो गया। सो दिस इज़ नॉट कनेक्टेड टू योर एड्रियाटिक सी, यही क्वेश्चन था। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रेट ब्रिटेन जो है कंप्राइज करता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। नो, इट इज़ यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है जो नॉर्थ आयरलैंड को इंक्लूड करता है, जबकि इंग्लैंड जो है कवर लेस देन 60%। यस, इट इज़ द 54% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो आपने 25 क्वेश्चंस जो कर लिए हैं वर्ल्ड कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर से। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दिस आर डिपेंडेंट टेरिटरी। तो डिपेंडेंट टेरिटरी क्या है, पहले तो हमें ये देखना है। सो डिपेंडेंट टेरिटरी आर द टेरिटरी और द जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन जिसको आप बोल सकते हैं, दे डोंट हैव फुल इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी, उनकी अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता नहीं है। विश्व के जो फर्स्ट ऑर्डर के कंट्रीज है लाइक फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने बहुत से जगह में अपनी टेरिटरी अपने पोजीशन में रखी है जहाँ को ये हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं जिनकी पॉलिटी को, ठीक है। दिस इज़ अ वर्ल्ड मैप, और ये वर्ल्ड मैप में देर आर डिफरेंट एरियाज जो डिफरेंट कलर से बना रखे हमने। सो दीज आर द एरियाज विच आर डिपेंडेंट ओवर द अदर कंट्रीज। सो लेट्स जस्ट थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये जो इस पिक्चर में आपको जो दिखेंगे रेड कलर से डेनमार्क के होंगे, न्यूजीलैंड इन दिस कलर, नॉर्वे, यूएसए इन ब्लैक, ऑस्ट्रेलिया इन येलो, यूके इन ग्रीन, पुर्तगाल ब्लू, नीदरलैंड ऑरेंज, समथिंग दिस टाइप से। आप इस जब मैप को आप देखोगे, व्हेन यू ट्राई टू सी दिस मैप, तो यू विल सी दैट कि दैट यूएसए जो है कंट्रोल कर रहा है इधर, यूएस का वर्जीनिया आइलैंड, ठीक है, मिडवे एटोल, जॉनसन एटोल, देन किंगमैन रीफ, हॉलैंड आइलैंड, पाल्मेरा टोल, जार्विस आइलैंड, बेकर आइलैंड, अमेरिकन समोवा आइलैंड, मावाशिया आइलैंड, नवाशा आइलैंड, दिस इज, एंड देन यू हैव यूके। यूके के पास देखो अब बरमूडा है, बरमूडा का एरिया यहाँ पे, ठीक है, तुर्क्स एंड कैकोस आइलैंड, केमन आइलैंड्स, देन सिमिलरली यू हैव ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड यहाँ यूरोप के आसपास, अंगुलिया है, जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जलसंधि का नाम सुना होगा आपने, देन आइजल ऑफ मैन, जर्सी, ब्रिटिश सोवरेन बेसिस इन साइप्रस, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, आप यहाँ देखो यहाँ पे जस्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास है, सेंट हेलेना आइलैंड, ये दिस वन, दिस सेंट हेलेना आइलैंड, यहाँ पे ही नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा गया था वाटरलू के युद्ध के बाद। देन ये जो येल्लो कलर से जो कंट्रीज हैं, दीज आर द ऑस्ट्रेलियन टेरिटरीज, और ऑस्ट्रेलियन टेरिटरीज में आप देखेंगे क्रिसमस आइलैंड, कोरल सील आइलैंड्स, कोकोज आइलैंड्स, मॉरफ्लॉक, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स, ठीक है, कुछ इसमें अंटार्कटिका वगैरह के भी रीजन्स हैं जिसमें कि इन कंट्रियों ने अपना पोजीशन रखे हुए हैं, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, तो क्वेश्चन पार्ट्स में हमारा सब पहला क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू द डिपेंडेंट टेरिटरी एंड इज द फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन द अमेरिका बट पोलिटिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप. तो इसमें आप जब मैप को आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि दैट ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का जो स्थिति है इट इज़ जियोग्राफिकली इट इज़ इन अमेरिका बट पोलिटिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप. ठीक है, और ग्रीनलैंड का जो रीज़न है दिस रीज़न ये पार्ट ऑफ दैट नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज़ अंडर द डेनमार्क कंट्रोल, डेनमार्क के कंट्रोल में है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन दैट ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस और स्पेन, इन सब के बारे में लिखा जा रहा है और इनसे रिलेटेड जो डिपेंडेंट टेरिटरी है. तो इसमें हमें ये मिल गया था कि डेनमार्क जो है इट इज़ रिलेटेड, इट इज़ लुकिंग आफ्टर ग्रीनलैंड. तो इस ऑप्शन को हम सब तलाश करने की कोशिश करेंगे. तो सेकेंड में आप देखें कि ये दो ऑप्शंस मिल जाते हैं बी और सी, लेकिन बाकी हमें फिर आपको मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया. तो क्रिसमस आइलैंड हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है समवेयर हेयर दिस एरिया, ये जो एरिया है क्रिसमस आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल कर रहा है. तो हम ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड के पास कर देंगे. ऑस्ट्रेलिया इज ऑन क्रिसमस आइलैंड, इट मीन्स कि हेयर आप बी लिखो और यहाँ पे आप लिखो ए. ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस आप देखेंगे तो 4321 ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा. एंड ये आपके जो है डिपेंडेंट टेरिटरी में आते हैं. ठीक है, मॉरिशियाना जो है मार्टिनिको जो आइलैंड जो फर्स्ट ऑप्शन था आपका मार्टिनिको आइलैंड जो है इट इज़ अंडर द पोजीशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के पोजीशन में है एंड इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ कैरेबियन सी. वहीं सांता क्रूज जो है, सांता क्रूज स्पेन के कैनरी आइलैंड के पास का एरिया है, स्पेन के कैनरी आइलैंड के पास का है. तो ये डी हो जाएगा इसका ऑप्शन. तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी डी बी ए हो गया और ये नंबर टू हो गया. ठीक है, देन देर इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द आइलैंड्स एंड द कंट्रोलिंग टेरिटरी. तो इसमें आप देखेंगे कि अलूशियन आइलैंड जो है, अलूशियन आइलैंड इज़ रिलेटेड टू द USA. तो ए का अगर आपने चार कर दिया, बियर आइलैंड और ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड इज़ रिलेटेड टू द डेनमार्क. ठीक है, नंबर टू इज़ द डेनमार्क. सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है. ठीक है, बियर आइलैंड इज़ विथ नॉर्वे एंड जोसेफ आइलैंड, फ्रांस जोसेफ आइलैंड इज़ विद द रसिया, जोसेफ आइलैंड विद द रसिया. ठीक है, कंसिडर द मैप बिलो द इंडिकेटिंग फोर प्लेसेस फ्रिक्वेंटली फिगरिंग इन द न्यूज़. तो इसमें जो है चेचन्या के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, चेचन्या है कहाँ पे. तो नंबर फोर जो एरिया है आपका, सॉरी नंबर थ्री का जो एरिया है दैट इज़ चेचन्या. इस मैप में आप देखेंगे तो इसमें तो चेचन्या आपको नहीं दिखेगा. ठीक है, बट जस्ट आप इस मैप से अगर नीचे आते हैं तो आई हैव सम फैक्ट्स. तो इसमें आप देखेंगे कि डिपेंडेंट टेरिटरी अंडर फ्रांस में मार्टिनिको, फ्रेंच पोलिनीशिया, गुएना, रीयूनियन और नी सेलिडोनिया है. वहीं डेनमार्क के जो पास है वो ग्रीनलैंड है, जो अभी हमने देखा था कि नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट है, बट इट इज़ अंडर द किंगडम ऑफ डेनमार्क. फारो आइलैंड्स जो है नॉर्थ अटलांटिक में है एंड इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में है. इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क. देन USA जो है, USA के पास आप देखें कि अमेरिका, समोआ आइलैंड, पोर्टो रिको, वर्जीनिया आइलैंड, मिड अटोल, ये फेमस है. इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है जो आपको उस मैप में दिखे थे. देन पुर्तगाल के अंदर जो है अजोरोस, ठीक है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अजोरस है, और मार्डेरिया जो है इट इज़ ऑल्सो द पुर्तगाल से रिलेटेड है. स्पेन के पास कैनरी आइलैंड है और सियोटा, मिलिया एंड बेलरिक आइलैंड्स, ये जो है इस तरीके के नेम है जो आप मैप्स को देखेंगे तभी आप देख पाएंगे. वहीं नॉर्वे के पास आप देखेंगे तो बॉवेट आइलैंड जो है साउथ अटलांटिक ओशन में है, पीटर आइलैंड जो है अंटार्कटिका में है,
और क्वीन मॉड लैंड जो है अंटार्कटिका में है। यूनाइटेड किंगडम के पास सबसे ज़्यादा है। सेंट हेलेना को हमने देखा था, जिब्राल्टर को देखा, कैकोवस आइलैंड्स देखा, फॉकलैंड आइलैंड्स, ये न्यूज़ में रहते हैं हमेशा, फॉकलैंड आइलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम और साउथ, ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी जो है इट इज़ इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका, आप देखोगे इसको डियागो गार्सिया वगैरह का जो इशू है। एंड देन ब्रिटिश अंटार्कटिक में टेरिटरी है, अंटार्कटिक कंटिनेंट में। न्यूजीलैंड के पास वहीं कुक आइलैंड, टोकेलियो, न्यू और रॉस डिपेंडेंसी, अंटार्कटिका का जो आइलैंड है वो उनके कंट्रोल में है। और ऑस्ट्रेलिया के पास हमने देखा था कि क्रिसमस, कोकोवा, नॉर्फलोक, और रशिया के पास जो है चेचन्या। और इसी से ये क्वेश्चन था आपका कि वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ चेचन्या, तो चेचन्या को आप देखोगे सो दिस एरिया, जॉर्जिया इसके आसपास की कंट्री है और ये जो एरिया है दिस इज योर चेचन्या एरिया, चेचन्या का जो एरिया है दिस इज योर चेचन्या एरिया। सो ये मैप को आप याद रख सकते हो तो देख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो आपके जो ये मैप है इसमें सारे कुछ बहुत क्लियरली दे रखे हैं। ये मार्टिनिकू जो है फ्रेंच के पास था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट विल बी लैंड लॉक्ड कंट्री। तो लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है? तो लैंड लॉक्ड कंट्री को आप बोल सकते हैं कि वैसी कंट्री या वैसे सोवरेन स्टेट या टेरिटरी जिसका इंटायरली इनक्लोज लैंड है और कोई देर इज़ नो कॉन्टेक्ट विथ एनी कोस्ट, कोई कोस्ट से उनका कॉन्टेक्ट नहीं है। तो देर आर टोटल 25 कंट्रीज, विश्व में 45 ऐसी देशें हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। इफ़ यू विल सी द फिगर कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो जस्ट लेट्स सी, ये जो है ये 45 कंट्रीज, आप देखो साउथ अमेरिका में बोलविया और पराग्वे, ठीक है, एंड देन अफ्रीका में इतने सारे देश, माली, नाइजर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, युगांडा, मालविया, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, लिसुथो, बोत्सवाना, जाम्बिया, बुरंडी, रवांडा, बर्किनो फासो, इथोपिया। वहीं एशिया यूरेशिया के रीजन में आप देखें मंगोलिया को है, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिया, मालदोवा, ये सब जो एरिया है, मालदोवा इज़ इन यूरोप, सो ये सब जो एरिया है दीज आर द एरिया विच आर लैंड लॉक्ड कंट्री में, दे डोंट हैव एनी कोस्टल कनेक्टिविटी। अब कोस्टल कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण द पोटेंशियल ऑफ देयर डेवलपमेंट्स डिमिनिसेस, ठीक है। और ये जो है कंटिनेंट्स वाइज इसमें दे रखे हैं, ठीक है, और इस एरिया के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कहाँ कहाँ पे कौन से लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करता है कि ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री, तो यहाँ पे लाओस विल बी द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। कौन सा है? लाओस, ठीक है, इसको लाओस को आप टिक कर दो। विच वन ऑफ इज़ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लैंड लॉक्ड? तो हमने देखा था कि बोलिविया और पराग्वे जो है साउथ अमेरिका की लैंड लॉक्ड कंट्री है, बाकी पेरू, उरुग्वे और सुरीनाम ये सब लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री? तो लैंड लॉक्ड कंट्री में इन सब में कौन से लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? तो हमने देखा था कि देर आर सम, लाओस जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। सिमिलरली आपके पास लाइबेरिया, लाओस, अफगानिस्तान एंड लग्जमबर्ग के बारे में ये पूछ रहा था। सो एक्सेप्ट लाइबेरिया ऑल आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं ये सारे कंट्रीज। और जो 45 कंट्रीज जो लिस्ट है उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे, बट दैट कंट्री लाइबेरिया यू विल नॉट फाइंड दैट। तो ये आपके लैंड लॉक्ड कंट्री हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री इन द अफ्रीका? तो अफ्रीका के लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ की अगर आप बात करें तो इसमें आप देखें कि अंगोला, केनिया, सेनेगल और चाड, ये चार ऑप्शंस हैं। और इन चारों ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यू विल फील कि चाड का जो एरिया है दिस इज़ योर लैंड लॉक्ड कंट्री। लेट्स सी अफ्रीकन मैप पे क्या दिखाता है। और ये आपके अफ्रीकन मैप है और इसमें दिस यू विल फाइंड दैट कि चाड इज़ समवेयर, चाड का जो एरिया है दिस इज़ अ लैंड लॉक्ड
कंट्री, चाड इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये है चाड, चाड का जो एरिया है लैंडलॉक्ड कंट्री है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड नहीं बोला है तो बाउंड्रीज के बारे में, तो बाउंड्रीज के बारे में स्पेशली अलग से भी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन भी इसमें आ गया है तो आप देख लेंगे। तो रेडक्लिफ की जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, मैगिनॉट की जो लाइन है फ्रांस एंड जर्मनी को डिवाइड करती है, लेकिन जो डूरंड लाइन है इट इज़ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को डिवाइड करती है, हिडनबर्ग लाइन जो है बेल्जियम एंड जर्मनी को डिवाइड करती है। तो डूरंड लाइन इज़ नॉट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये डूरंड लाइन नहीं है, ठीक है। डूरंड लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। विच वन ऑफ इज़ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो लैंडलॉक कंट्री, अब 45 कंट्रियों में से आपको ये देखना है कि कौन सा कंटिनेंट ऐसा है जहाँ पे कोई लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, तो इट इज़ द नॉर्थ अमेरिका विच हैज़ नो एनी लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे कि कनाडा और यूएसए ये जो कंट्रीज हैं इन सब का कोस्टल कनेक्टिविटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, नॉट, तो 45 कंट्रियों के नाम को याद रखना है, ठीक है। और अगर इस तरीके से इसमें पूछा जाए उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अजरबैजान, सो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज अजरबैजान। अजरबैजान जो है इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जो है, किर्गिज एंड तजिक आर द फुल्ली लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। और अजरबैजान की जो राजधानी है वो आपको याद होना चाहिए, इट इज़ ऑन द बाकू, बाकू। विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड कंट्री, अब बार बार वही क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, कौन है कौन नहीं है। अगेन दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज लैंडलॉक्ड कंट्री, तो इसमें आप देखेंगे कि अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया और स्विट्जरलैंड, इन सब में जो ऑप्शंस दे रखे हैं डी 1, 2 and 4 इज अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड आर लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, जबकि स्विट्जरलैंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द दक्षिणी सूडान के बारे में क्या है, तो इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, बिल्कुल सही। इट्स कैपिटल इज लोकेटेड इन अकोबा, ये गलत है। इट्स मेन रिवर इज वाइट नाइल, ये सही है। इट्स मेन रीजन इज इस्लाम, ठीक है, तो इस गलत है। इस रिलीजन जो है इनका धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है, और इसका जो कैपिटल है द मेन वाइट कैपिटल जो है इसका जूबा, ठीक है। एंड करेक्ट आंसर विल बी द 1 and 3। साउथ सूडान के लोकेशन को अगर आप देखना चाहेंगे, सो लेट्स सी व्हाट आर वेयर इज़ द साउथ सूडान। सो ये जो है दिस इज़ द एरिया ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जो दिस एरिया इज़ योर सूडान एंड साउथ सूडान, और ये आपका साउथ सूडान का एरिया है। एंड द स्टार मार्क इज़ द कैपिटल जूबा, इसके ऊपर सूडान है, सूडान एंड साउथ सूडान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ट्रांसकॉन्टिनेंटल क्या होता है, तो पहले हमें ट्रांसकॉन्टिनेंटल वर्ड को समझना है। तो एक कंट्री जो दो मोर देन वन कंटिनेंट्स एक्सपेंड करता है उसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल कहते हैं, और यहाँ पे जॉर्जिया एंड टर्की, ठीक है, ये जो दोनों कंट्रीज हैं दे आर द पार्ट ऑफ दैट ट्रांसकॉन्टिनेंटल। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, वो विश्व युद्ध के टाइम की कहानी थी, बिकॉज इट वांटेड टू द पार्ट ऑफ यूरोप। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ओल्ड नेम ऑफ कंट्रीज, दो क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल थिंग्स है, अगर आपको मिलते हैं तो ठीक है। इसमें याद रखेंगे कि जिम्बाब्वे वॉज अर्लियर नोन एज, तो जिम्बाब्वे का जो अर्लियर नेम था दैट वॉज द साउदर्न रोडेशिया, साउदर्न रोडेशिया वॉज द नेम ऑफ ओल्ड नेम ऑफ द जिम्बाब्वे, ठीक है, साउदर्न रोडेशिया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड में,
हरारे सेल्सबरी, ओल्ड नेम था हरारे जिम्बाब्वे में, इथियोपिया ठीक है, अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में आपको मिलता है, घाना, घराना जो है उसको बोल रहे हैं कि डच गुएना, और किन्हांसा को लोपेल डिविली। तो आपको यही सब क्वेश्चन याद रखने, तो घाना का जो नाम था सूरीनाम था ठीक है, और इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, तो इसको आपको कट कर देना है। मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू, एंड ये फिर आप देखें कि सियोमा ओल्ड आई लोग आइलैंड्स के नाम है, और इसमें सियाम है, तो सियाम, फार्मोशा, मेसोपोटामिया एंड बर्मा। तो ठीक है, बर्मा को आप बोल सकते हैं म्यांमार, ये आपको याद होगा भारत के साथ इसका बाउंड्री शेयर होता है ठीक है। एंड डी विल बी द टू, डी विल बी द टू ठीक है, एंड देन फार्मोशा जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द फार्मोशा इज रिलेटेड टू द ताइवान, ताइवान है यहाँ पे, एंड सियाम इज़ रिलेटेड टू थाईलैंड, एंड मेसोपोटामिया जो है वो इस इराक की जो सभ्यता थी उसको बोलते थे। सो ये आपके ओल्ड नेम्स थे, इसमें से फैक्ट्स ही हैं ठीक है। आप कुछ और नाम याद रख सकते हैं, जैसे जापान, जापान को हमने निप्पन बोल दिया था, निप्पन की बैटरी होती है। ईरान को हमने पर्सिया बोला था, ये फेमस नेम है। इथियोपिया को अबिसिनिया अभी हमें क्वेश्चन में मिला था। जाम्बिया, जाम्बिया को हमने नॉर्दर्न रोडेशिया बोला था, नॉर्दर्न रोडेशिया, जबकि साउदर्न रोडेशिया जो हमारा था दैट इज़ जिम्बाब्वे ठीक है। जावा जो था, जावावाज, जावाज का जो एरिया है अभी दैट इज़ द सवाना आइलैंड ठीक है। जिम्बाब्वे को तो हमने देख लिया, बांग्लादेश को हमने बोला था ईस्ट पाकिस्तान का एरिया है, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान। मलेशिया जो एरिया था, मलेशिया, इसको हमने बोला था मलाया, मलेशिया वाज मलाया। एंड नीदरलैंड, याद रखिएगा नीदरलैंड जो थे इट वाज हॉलैंड ठीक है। जिबूती, जिबूती एक जो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मिलता है, जिबूती इज, जिबूती वाज अर्लियर, जिबूती वाज अर्लियर जिबूती को हमने क्या बोला था, जिबूती वाज सोमालिया लैंड। एंड इसके अलावा आप याद रख सकते हैं देर वाज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ने रिसेंटली अपना कैपिटल चेंज किया था और नुसांतारा रखा था, फिर से वापस आ गए अपना कैपिटल में, जो पुराने कैपिटल था उसका, ये था। नाउ ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस की बात कर रहा है ये टॉपिक, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा आते हैं ठीक है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस क्या होते हैं, तो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस में आइदर कोई काल्पनिक रेखा जो डिसाइड करे कि ये उसका बाउंड्री है, और दूसरा कुछ रिवर्स, लेक्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ रियो ग्रांडे। तो रियो ग्रांडे जो है एक रिवर है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको को अलग कर देता है। वैसे ही लेक विक्टोरिया जो अफ्रीका में है ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा था ठीक है। फिर आपके अलग जो आप देखोगे कि 38 डिग्री पैरेलल जो है दैट इज़ बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, देन 49 डिग्री पैरेलल, तो ये यूएसए और कनाडा, ऊपर में 49 डिग्री पैरेलल हो जाता है और नीचे में जियो ग्रांडे नाम की रिवर हो जाती है। मैगिनोट रिवर, मैगिनोट लाइन की बात बोलते हैं, तो इसमें आप इटली और जर्मनी के बीच में मैगिनोट लाइन हो जाती है। लिटिल मैगिनोट लाइन की बात करते हैं तो फ्रांस एंड इटली को अलग करता है। तो ये इस तरीके से बाउंड्रीज होते हैं। लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बट देर इज़ नथिंग टू सो मच पिक्चर। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर लेक्स फॉर्म ए इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा, तो तंजानिया और युगांडा के बीच में लेक विक्टोरिया जो है एक बाउंड्री बनाती है। मैकमोहन लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ होता है ठीक है, एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म इंटरनेशनल बाउंड्री, तो इंटरनेशनल बाउंड्री में राइन जो नदी है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये एक बाउंड्री बनाती है।
रियो ग्रांडे का जो है, हमने देखा था कि सबसे ऊपर में यूएसए के 49 डिग्री पैरेलल लाइन है जो यूएसए को नॉर्थ के एरिया में कनाडा से अलग करता है, वहीं नीचे में देर इज रियो ग्रांडे, एक रिवर है जो इसको यूएसए और मैक्सिको को अलग करता है, साउथ यूएसए एंड मैक्सिको। रेड क्लिफ लाइन की बात कर रहा है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है रेड क्लिफ लाइन डिसाइड द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया और चाइना का मैकमोहन लाइन। और तीसवीं जो समानांतर रेखा है, इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। फिर द क्वेश्चन इसी तरीके से, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन बनाता है, तो 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। मैगिनोट लाइन, तो मैगिनोट लाइन के बारे में हमने पढ़ा था कि देर इज़ अ मैगिनोट लाइन विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। एंड ये पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए कि बॉर्डर बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा इज 49 डिग्री पैरेलल, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में देर इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात अगर माने तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में देर इज नो बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, बट ठीक है, बट वी से एज ए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो भी हो उस एरिया को देखते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का एरिया जो है वो डूरंड लाइन कहलाता है, ठीक है। नाउ दिस इज द रीज़न, और इसमें आप देखेंगे कि इट इज़ द डूरंड लाइन, द डॉटेड लाइन इन द मैप इज द करेंट डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। सो इस तरीके से जो आपने टोटल आज क्वेश्चंस इसमें अब देख लिए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के, अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका द कैपिटल ऑफ द कंट्रीज़।